गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 24th ऑफ सितंबर और डे है फ्राइडे। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन के बारे में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.7 का जो वो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो वो पिछले कल कर लिया था। इस एक्सरसाइज में जो वो हम लोग फ्रैक्शन को जो वो मतलब कि फ्रैक्शन का जो वो कंपेरिजन करना सीख रहे हैं। फ्रैक्शन को जो वो कैसे बताना है कि कोई फ्रैक्शन जो वो बड़ा है या छोटा है। तो पिछले कल जो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि फ्रैक्शन को जो वो कैसे कंपैरिजन करना है, चाहे वो जो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, चाहे उसका जो वो एलसीएम निकाल करके डिनोमिनेटर सेम करना हो, चाहे न्यूमिनेटर को सेम करना हो, चाहे ऐसे ही पता करना हो। जैसे 2/3 लिखा मैंने, यहाँ पे 7/3 लिखा, दोनों के जो वो सेम पार्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन 7 बड़ा है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या बिना एलसीएम से, बिना डिनोमिनेटर को सेम किए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो वही है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने जो वो चेक करना है कि कौन सा जो वो बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है विच इज ग्रेटर, यूज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट है 2/7 और 3/5 में जो वो कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, सिंपली 2 को जो 5 से करना है, ठीक है, और 3 को जो 7 से करना है। तो सॉल्यूशन में जो वो अपने सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा, ठीक है। आप जो वो ऐसे एरो लगा लें, फिर जो वो क्या करें, 2 को 5 से करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5। मैंने बोला आप जो बीच में एक छोटा सा बॉक्स जैसे बना लें, क्योंकि यहाँ पे आपने लेस देन या ग्रेटर देन यूज करना है, ठीक है। 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ए जो वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ठीक है, ए जो वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। जरूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड ही हो। जैसे 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 ए राइट हैंड साइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे 3/5 जो वो यहाँ पे राइट हैंड साइड है और 2/7 जो वो राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 2/5 जो 10 हो गया, और बॉक्स फिर से वैसे ही बना दिया मैंने, क्योंकि अभी पता नहीं चला कि कौन सा बड़ा है, तो बॉक्स ऐसे ही नीचे फिर से बना लें। 7/3 = 21 होता है। अब देखिए 10 और 21 में कौन सा बड़ा है, तो इसका मतलब 21 बड़ा है। अगर 21 बड़ा है तो कौन सी साइड वाला बड़ा है, राइट साइड वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा फ्रैक्शन है। इसका मतलब है 3/5 राइट साइड वाला बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो इसलिए जब मैं बोल रहा था कि आपने जो लेफ्ट और राइट का जो विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद लिखें कि सो 2/7 इज लेस देन 3/5, ठीक है। तो हमने बता दिया छोटा और बड़ा कौन है, ठीक है। यहाँ पे पूछा था बड़ा, तो यहाँ पे बाद में लिख लें एक लाइन की सो 3/5 इज ग्रेटर, 3/5 इज ग्रेटर, ठीक है। वैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि 3/5 जो वो इससे बड़ा है। वैसे लास्ट में फिर से लिख लें क्योंकि इसने पूछा है कि विच इज ग्रेटर। तो ऐसे सभी क्वेश्चन करें। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, लास्ट क्वेश्चन देखिए, यस ई वाला पार्ट देखते हैं, सेकंड लास्ट। यहाँ पे देखिए 5 को जो आपने यस 5 को आपने जो वो 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 7 को 6 के साथ। तो क्या करना है, 5 × 6 एंड बीच में जो वो बॉक्स 7 × 6, तो 5 6 का होता है 30 एंड 7 6 का होता है 42। कौन सा बड़ा है, 42 बड़ा है, मतलब कि राइट साइड वाला बड़ा है। तो इसको लिखें फिर से, और आपने बोलना है कि ए साइड जो वो बड़ा है, ठीक है, मतलब कि ए राइट हैंड साइड वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। फिर लिखें कि 7/9 इज ग्रेटर। सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो वो, अगर आपको समझ आ गया तो इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद जब वो आपको बोलेंगे कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से ही चेक करना है जल्दी से, चाहे आपको कोई भी फ्रैक्शन मिल जाए। अब देखिए नेक्स्ट है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्रैक्शन विद द लीस्ट डिनोमिनेटर एंड फाइंड द लेसर फ्रैक्शन। तो इसने बोला जो वो आपने छोटा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेकिन लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से, मतलब कि उसके डिनोमिनेटर सेम हो, उसके डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे बी वाला पार्ट देखते हैं, फर्स्ट वाला जो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और एक जो वो आगे वाला आपने खुद करना है। अब देखिए 6 और 4 का जो वो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। सबसे पहले एलसीएम, तो मैंने लिखा एलसीएम ऑफ 4 और 6। अब 4 और 6 का एलसीएम निकालो साइड में, ठीक है। तो 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, ऐसे सबसे पहले 2 से जाता है तो 2 2 जा हो गया, 3 2 जा हो गया। अब 2 आ जाएगा एक बार, और यहाँ पे एक बार 3 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। फिर देखिए 2 2 जा 4, फिर इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। तो 12 जो वो इसका एलसीएम आ गया। ये स्टेप भी आपकी कॉपी पर होना चाहिए। आपने पहले जो वो इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्यों एलसीएम लेना है, क्योंकि हमें चाहिए लीस्ट, छोटे से छोटा कॉमन कॉमन नंबर चाहिए जो इन दोनों का मल्टीपल हो,
ठीक है, तो कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए हमें, तो इसलिए देखिए लीस्ट इसलिए है, ऐसा नहीं है कि लीस्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है लिस्ट से ही निकालिए, तो ऐसे ऐसे भी हो सकता है, जैसे आपको पता है कि 6 और 4 में जो वो 24 भी कॉमन आता है, तो क्यों ना 24 बनाया जाए, नहीं 24 क्यों बनाया है जब जो वो हमारे पास 12 छोटा नंबर है कॉमन, ठीक है, तो इसलिए एलसीएम ही लेते हैं, ठीक है, इसलिए एलसीएम ही हम लोग निकाल लेते हैं। अब 12 आ गया, अब देखिए इसका भी नीचे 12 बनाइए, इसका भी नीचे 12, तो इसको ले आया मैं यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई बाई किससे किया जाए, ऊपर और नीचे सेम नंबर से करना है, तो नीचे चेक करना है कि 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि 12 आ जाए, तो 4 3 जा तो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये आ गया 9/12। देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन हमने सॉल्व कर दिया, 9/12 आ गया। अब देखिए इसको देखिए 5/6, अब होता है 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए 2 से साथ करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 5 2 जा 10 एंड 6 2 जा 12। अब देखिए इनके और इसका न्यूमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर जो वो सेम बन चुका है, तो 9/12 एंड 10/12 कौन सा बड़ा है, 10/12 बड़ा है, इसने पूछा था छोटा, तो 9/12 आप लिखें कि 9/12 इज लेसर, 9/12 इज लेसर, ठीक है, तो ऐसे ही आपने करना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, पता है कि जब एक दूसरे के मल्टीपल हो, जैसे 12 का मल्टीपल जो वो 24 और 12 का जो वो ये 12 का है फैक्टर है, अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए जैसे जिसका एक नंबर जो वो ऐसा हो कि दूसरा जो वो मतलब कि उसका हाफ हो या उसका डबल हो दूसरा नंबर, ठीक है, तो ऐसे नंबर आ जाए तो उसका जो वो जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है, ठीक है, बड़ा नंबर होता है वही जो वो एलसीएम होता है, तो 24 ही है, मतलब कि इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, इसको चेंज ना करें, इसको वैसे रहने दें, चेंज करना है सिर्फ इसी को 11/12, अब 24 ही तो बनाना है, तो 12 को 2 से करो ऊपर भी 2 से कर लो, 11 2 जा हो गया 22 और नीचे हो गया 24, ठीक है, 22/24 यहाँ पे 13/24 कौन सा छोटा है, 13 वाला छोटा है, ठीक है, जब आप डिनोमिनेटर सेम कर देते हो तो वहाँ पे तो वही चेक करना होता है कि ऊपर जो वो बड़ा नंबर आ गया तो वही बड़ा फ्रैक्शन है, यहाँ पे लेसर पूछा था तो बता दें कि लेसर फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट कल हम करेंगे नंबर लाइन में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आज आज फिलहाल के लिए इन दो क्वेश्चनों को करें अच्छे से कॉपी पर, ओके आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।